Hello learners, this is Alisha Mahajan from Money Academy. Hope you are doing well. So guys, this is my YouTube channel and आप मुझे follow कर सकते हैं. यहाँ पर आपको मैं आप अपनी जो screen पर देख रहे हैं कुछ important points वहाँ से मैं आपको आज की class में discuss करवाऊँगी. क्योंकि guys, human resource management अगर आप कर रहे हैं ना और आपको इन points में differences नहीं पता है तो problem होगी. और मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सो दिस लेक्चर वीडियो इज फॉर बेसिकली कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये डिस्कस करते हैं. पहले फॉर NTA UGC स्पेसिफिकली, फॉर द BCom स्टूडेंट्स, MCom, MBA, दीज आर द रेलिवेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इस लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड गाइज. बेसिकली स्टूडेंट्स को इन दोनों में कन्फ्यूजन होती है, इन तीनों में होती है. सो आज के लेक्चर वीडियो में हम ये पांच पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पॉइंट दैट यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन इज जॉब डिस्क्रिप्शन. व्हाट डू यू मीन बाय गाइज जॉब डिस्क्रिप्शन? सो की पॉइंट से आपको करवाऊंगी ताकि आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं तो इतने क्रक्स से पढ़ते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और हमें पता लग जाए कि किस क्वेश्चन में हमने क्या करना है. एमसीक्यूज भी आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, आता ही आता है. वन क्वेश्चन तो मस्ट ही है ना, इनमें से आएगा ही आएगा. दो भी आ सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही. सो देख सकते हैं, मैच दो कॉलम भी पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन. द फर्स्ट पॉइंट इज जॉब डिस्क्रिप्शन. व्हेन आई टॉक अबाउट जॉब से रिलेटेड टास्क, duties, responsibilities, जब मैं जॉब में क्या क्या करना है, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कौन कौन सा आपने काम करना है बेसिकली, जब हम इसके बारे में बात करेंगे, उसकी डिटेलिंग बताएंगे, उसको बोलते हैं हम जॉब डिस्क्रिप्शन. जब जॉब की बात होगी इट इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की. सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है गाइज? नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब स्पेसिफिकेशन. अब जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमने कर लिया, अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? व्हेन आई से जॉब स्पेसिफिकेशन इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन. जो ये जॉब करेगा उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं बात करूंगी. क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए किसी काम के लिए, तो उस पर्टिकुलर जॉब में आप सिंपल बीकॉम या बीबीए ग्रेजुएट नहीं ले सकते हैं. सो हियर वो पर्टिकुलरली पता होता है उनको कि व्हाट इज द जॉब स्पेसिफिकेशन, हमें क्या चाहिए. ठीक है, सो हियर वी विल टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन. नॉलेज अकेला ये नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन, नॉलेज भी आ जाएगी, स्किल्स आ जाएंगी. सो इन सब चीजों के बारे में जब हम बात करेंगे इट इज अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट कम जॉब रोटेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जॉब रोटेशन? जॉब रोटेशन का मतलब है सिस्टमेटिकली मूविंग. द पॉइंट यू नीड टू लर्न इज सिस्टमेटिकली. सिस्टमेटिकली हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. फॉर एग्जांपल कंपनी है म्यूजिक कंपनी, एक म्यूजिक कंपनी है. पहले महीने वो क्या काम कर देता है, एक पर्सन को हायर किया, उसे बस बोला कि तुमने ना हमारी म्यूजिक कंपनी में भी ना हर रोज ना भगवान जी को प्रे होती है, हम अपने म्यूजिक से उनको ग्रीट करते हैं, तो तुमने ना सिर्फ ये बोलना है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया. पहले महीने ना उसने यही काम किया, इसके बाद ना अब एक बंदा है एक ही काम कर करके तो थोड़ा हो जाएगा ना. फिर उसके बाद क्या, उसने जब थोड़ा सा आगे मूव किया तो उसकी थोड़ा सा हमने ना जॉब को ना रोटेट कर दिया. एक पर्टिकुलर टाइम सीरीज में भी हो सकता है,
थोड़े से गैप के बाद भी हो सकता है। बेसिकली ये नहीं कि आज जॉब ये दी तो अगले दिन ही चेंज कर देंगे, थोड़े टाइम के बाद। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि तुम ना आप कहाँ पर जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, और ना हमारे म्यूजिक स्कूल में या म्यूजिक कंपनी में से ना बच्चे सिलेक्ट करने जाओगे। सो ये भी रिलेटेड टू म्यूजिक हो गया। तीसरा काम दिया जाता है कि ना तुमने ना कॉन्सर्ट कि ना देखना है म्यूजिक से रिलेटेड, सब सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, मतलब जो आपका म्यूजिक है वो नहीं छूटना चाहिए इसके अंडर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब, सो बेसिकली रोटेशन में स्टूडेंट्स को लगता है या लर्नर्स को लगता है कि रोटेशन का मतलब अलग तरीके से ही टास्क दे देना। अगर कोई समझो म्यूजिक में है तो उसे टेलरिंग का काम दे देना, नो दैट इज नॉट द केस। तो जॉब रोटेशन में बस आपको एक जॉब से दूसरी जॉब में रोटेट किया जाता है, लेकिन जो उसका बेसिकली फंडा होता है वो सेम ही होता है, दैट इज म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो गाइस इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, आई होप आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्लियर हो गया है। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज बेसिकली जॉब एनलार्जमेंट। अब हम जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो व्हेन आई से जॉब एनलार्जमेंट, एनलार्जमेंट का मतलब है अगर आप आज दो काम कर रहे हो, आपको थोड़े टाइम के बाद एक और काम ऐड ऑन कर दिया जाए, तीन काम हो गए, अगर आप तीन काम कर रहे हो तो एक और ऐड कर दिया जाए या दो ऐड कर दिए जाए। सो आपको जॉब में आपका जॉब का जो लेंथ है उसको इंक्रीज किया जाता है इसके अंडर, ठीक है ना। सो व्हेन आई से जॉब एनलार्जमेंट, आपका जॉब का क्या किया जाता है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, एक ही काम बार बार करके हमें डिससेटिस्फेक्शन होती है। सो उस डिससेटिस्फेक्शन को रिमूव करने के लिए, उस डिससेटिस्फेक्शन को गाइज रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, जॉब एनलार्जमेंट करी जाती है। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट। अब अगर जॉब एनलार्जमेंट में टास्क बढ़ाया जाता है तो जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है गाइस? सो व्हेन आई से जॉब एनरिचमेंट, उसका मतलब क्या है गाइस? आपका जॉब तो इंक्रीज करी जाएगी, लेकिन बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा जॉब एनरिचमेंट में? जॉब एनरिचमेंट में आपके पास प्रॉपर क्या होगा? कंट्रोल होगा। आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर आपका प्रॉपरली गाइस कंट्रोल होगा। सो व्हेन आई से जॉब एनलार्जमेंट, तो जॉब एनलार्जमेंट में आपका सिर्फ टास्क बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर केयरफुल वॉच किया जाएगा कि आप ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एनरिचमेंट में जॉब एनलार्जमेंट तो है ही है, साथ में कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब यू हैव फ्रीडम, फ्रीडम दी जाती है आपको। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट हमारे की डिफरेंसेज इन पांच पॉइंट्स के। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर द सेम। फॉर लर्निंग न्यू पॉइंट्स यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग टू द टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू कवर। आप मुझसे जो पॉइंट्स कवर अप करवाना चाहते हैं यू कैन टेल मी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।